ऐसे क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बनाएंगे जो कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक महीने तक चलेंगे, और इसके आगे आप बाकी सारे पकोड़े खाना भूल जाएंगे। इसे बनाने में किसी तरह की कोई भी झंझट नहीं है, कुछ भी भिगोना नहीं है। इतना आसान और इतना झटपट तरीका है कि आप फटाफट बनाने लग सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपके 5 अलग अलग तरह के नाश्ते भी तैयार हो जाएंगे। अब वो कैसे, तो धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, इंडिया मिशस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये मूंग दाल वाले बहुत ही टेस्टी पकौड़े। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये 1 कप मूंग दाल। ये अगर ग्राम्स में देखेंगे तो ये तकरीबन 200 ग्राम मूंग दाल है। मैं यहाँ पर ये पीली वाली बिना छिलके की मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो छिलके वाली जो हरी मूंग दाल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चना की दाल। ये मैंने 1/4 कप चना दाल ली है। ये हम इसमें डालेंगे ताकि हमारे पकौड़े का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और उसमें बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से रहेगी। फिर इसके बाद अपने पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम चावल भी मिलाएंगे। तो ये मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं। चावल आप कैसे भी ले सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को भी हम इन दालों के साथ ही डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को पहले पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें इन्हें भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नल के पानी से इन्हें धो लेना है ताकि इसमें कोई भी गंदगी या मैल मिट्टी हो तो वो साफ हो जाएगी। तो ये देखो आप, ये मैंने इसको वॉश कर लिया है। और अब मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से छलनी में या स्ट्रेनर में रख लिया है ताकि हमें इसे सुखाना बिल्कुल नहीं है। अब आगे क्या करना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे जैसे कि कढ़ाई या पैन वगैरह, और इसको हम धीमी आंच पर गर्म करके ये धुले हुए चावल और दालें इसमें डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से चम्मच से चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी बची हुई नमी है वो भी ड्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। जितना भी दालों और चावल में पानी था वो सारा सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तेल आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। तेल डालने से क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े होंगे वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी भी अगर पकोड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी करना हो तो मम्मियाँ क्या करती है कि उसमें थोड़ा सा गरम तेल डाल देती है। तो वही वाली जो ट्रिक है आज हम हमारे इन स्पेशल वाले पकोड़ों में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से भूनते भूनते मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख ही पा रहे हैं कि एक तो इन पर कलर भी आने लगा है और साथ ही साथ ये पहले से कम भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दाल को एक बार खाकर चेक कर लेंगे कि वो अच्छे से क्रिस्पी हुई है या नहीं हुई है। तो बस अब हम यहाँ पर गैस की आंच को बंद कर देंगे और फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। एक बार जब ये दाल और चावल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें मिक्सी के ग्राइंडर जार में भरकर पीस लेंगे। तो ये हमारी भुनी हुई मूंग दाल, चना दाल और चावल का जो पाउडर है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। हमें इसे अच्छे से पीसना है, इसमें ज़्यादा दरदरापन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो पाउडर है वो हमें फाइन चाहिए। तो चलिए अब बारी है इसमें कुछ मज़ेदार चीज़ें डालने की। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ। सौंफ को मैंने हल्का सा कूट लिया है, थोड़ा सा ये दरदरी हो चुकी है, तो ये हम इसमें डालेंगे जो कि खाते टाइम जब मुंह में आएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक इसी तरह से मैंने ये कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, ये 1/2 टेबल स्पून है, ये भी हम इसमें डालेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ये 1 टीस्पून लिया है कुटा हुआ जीरा। आप चाहें तो भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं। मैंने कच्चे जीरे को ही क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब आप देखिए, मैंने लिए हैं यहाँ पर ये कुछ काली मिर्च के दाने और लौंग, 7 से 8 काली मिर्च के दाने हैं और सिर्फ 2 लौंग लिए हैं मैंने। इन्हें भी हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो पकौड़ों का स्वाद बढ़ाने के लिए हम ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए, मैं ले रही हूँ ये 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, मैं ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। अब मेरे पास है ये सूखे हुए करी पत्ते जिन्हें कि मैं हाथों से क्रश करके इसमें डालूंगी। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, आप इस तरह से सूखे करी पत्ते इसमें डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ते हैं तो वो ना डालें क्योंकि हमें इसमें ड्राई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है।
बाकी आप इसमें और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये 1/2 टीस्पून काला नमक, जो कि आप बिल्कुल भी मत भूलना, ये तो आप डालना ही डालना, क्योंकि इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर साथ ही साथ में हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर आपको बताऊं कि मैंने ये कितना नमक डाला है, तो ये 1 टीस्पून नमक मैंने डाला है। अब बस इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल सकते हैं, करी पत्ते की जगह पर कसूरी मेथी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, या फिर अजवाइन का या फिर हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, ये हमारा मूंग दाल का इंस्टेंट पकौड़ा प्रीमिक्स बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही अच्छा बना है और इससे बने पकौड़े भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें से ये थोड़ा सा मूंग दाल प्रीमिक्स मैं अलग निकाल कर रख रही हूँ, जिसका मैं क्या करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और बाकी का ये जो हमारा बचा हुआ पकौड़ा प्रीमिक्स है, इसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। हम इसको आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और कभी भी मूड करे खाने का तो पकोड़े बस फटाफट से आपके तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि आप इससे सिर्फ पकोड़े ही बना सकते हैं, इससे आप अलग अलग तरह के नाश्ते भी बना सकते हो, जैसे कि आप इससे चीला बना सकते हो, इससे मसाला डोसा बना सकते हो, इडली भी इसकी तैयार हो जाएगी, और साथ ही साथ आप इससे अप्पे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये मसालेदार मूंग दाल का हेल्दी प्रीमिक्स बनाकर अगर आप रख लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जार का ढक्कन लगाकर हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे, और फिर बस जैसे अपनी मर्जी वैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जल्दी से देख लीजिए कि मैंने जो 1/2 कप प्रीमिक्स अलग निकाला है उसका मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको फटाफट से इसके पकोड़े बनाकर बता रही हूँ। तो ये मैंने 1/2 कप प्रीमिक्स बोल में डाला है, और इसी में हम 1/2 कप ही पानी डालेंगे, क्योंकि ये मूंग दाल प्रीमिक्स है तो हमें इसमें उतना ही पानी डालना है जितना कि हमने ये प्रीमिक्स लिया है, बाकी तो हमें इसमें कोई और मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो मैंने थोड़ा सा पानी बचाया है ये भी मैं इसमें डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मिला रही हूँ वैसे वैसे मिश्रण गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि मूंग दाल फूल रही है, इसीलिए इसे घोलने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। हम बस क्या करेंगे कि इसमें अपनी पसंद की कुछ चीज़ें डाल देंगे और फिर इसके पकोड़े बनाएंगे। मैंने इसमें ये थोड़ा सा प्याज डाला है, साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने ये हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं, आप इसमें गोभी डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें पालक या मेथी डालकर, अपनी पसंद की सब्जियां डालकर, तरह तरह के अलग अलग वाले पकोड़े भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस बातों ही बातों में ये अपना मूंग दाल पकोड़ों का घोल बनकर तैयार है, जिसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, और अब बस 5 मिनट में खाने के लिए अपने पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इससे गर्मा गर्म पकोड़े निकाल कर दिखाती हूँ। तो पकोड़ों के लिए हम कढ़ाई में तेल को मीडियम आंच पर अच्छे से गर्म करेंगे, और फिर बस हाथों से थोड़ा थोड़ा घोल डालकर हम अपने पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने, मैंने आपके लिए कितना आसान बना दिया है मूंग दाल के पकोड़े बनाना, क्योंकि कहाँ आप पहले घंटों तक मूंग दाल को भिगोते थे, फिर उसमें एक एक चीज को याद रख के आपको डालना होता था। लेकिन अब बस बिना किसी झंझट के इतनी कम मेहनत में आपके पकोड़े बन जाएंगे कि जितनी देर में आपकी चाय भी नहीं बनेगी। तो इसके लिए आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि सच में आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। तो ये देखिए, मैंने पकोड़ों को अच्छा सा कुरकुरा होने तक फ्राई कर लिया है, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। नॉर्मल अगर आप दाल को भिगोने के बाद पकोड़े बनाते हैं तो उसमें इतनी क्रिस्पीनेस नहीं होती है जितनी कि इसमें है। तो मैंने यहाँ पर कुछ और पकोड़े भी बनाए हैं, क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा बनाने की डिमांड घर वालों से मिल चुकी है। अब आप अपने घर वालों की डिमांड कब पूरी करते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं तो इन पकोड़ों के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ भी फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसके साथ खाने में मज़ा ही मज़ा आ जाए। हरी मिर्च को फ्राई करने से पहले आप इस पर एक छोटा सा कट ज़रूर से लगा लीजिएगा, ताकि फ्राई करते टाइम ये फटेगी नहीं। इन पकोड़ों को आप टमाटो केचप के साथ या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, और अगर कोई चटनी ना भी मिले तब भी ये पकोड़े आप इंजॉय कर सकते हैं। और अचानक से आपके घर पर कोई मेहमान भी आए हो तो आप ये पकोड़े अगर उनको खिलाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मूंग दाल के पकोड़े इतनी जल्दी आपने कैसे बनाए। तो आप उनके साथ भी हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं तो हमारे चैनल ETM Mishas को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहें।
और नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस मूंग दाल के पकौड़े एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एटी अमीशस।